ऐसा क्या हुआ जो सलमान खान और अक्षय कुमार से भिड़ गए थे अजय देवगन। बॉलीवुड के सिंघम हैं अजय देवगन भाई। इनसे अगर कोई पंगा लेता हुआ सामने आया है तो पहले अजय देवगन ने उसे माफ ही किया है, लेकिन दूसरी बार करारा जवाब भी हमेशा दे दिया है। जी हाँ, अजय देवगन की यूं तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत ही कम लड़ाई हुई है, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि अजय देवगन से पंगा लेना उनके लिए एक मुसीबत ही हो जाएगी। क्योंकि अगर दुश्मनी करते हैं तो अजय देवगन तो दुश्मनी को बहुत ही अच्छे से निभाते भी हैं, वहीं अगर दोस्ती करते हैं तो दोस्ती को भी बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। ऐसे में उनके साथ दोस्ती करना हर किसी को पसंद है, क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है। लेकिन दुश्मनी हो जाए तो उनके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। सलमान खान और अक्षय कुमार के साथ एक वक्त की बात है कि लड़ाई हो चुकी है अजय देवगन के साथ। भले ही आज के वक्त में तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हों, लेकिन अजय देवगन तो सलमान खान को इकलौता अपना दोस्त कहते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। लेकिन आखिरकार ये लड़ाई क्यों हुई, आपको इस रिपोर्ट में हम बताने वाले हैं। सलमान खान के साथ यहाँ विवेक ओबेरॉय का केस चल रहा था, यानी कि सलमान के खिलाफ विवेक ओबेरॉय बहुत कुछ कहते हुए सामने आ रहे थे। सलमान का नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सलमान भी अपना हाथ ऊंचा रखते हुए विवेक का करियर बर्बाद करते हुए दिखाई दिए। लगातार प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को मना कर रहे थे विवेक ओबेरॉय को अपनी फिल्मों में लेने के लिए, लेकिन फिर ओमकारा फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज से सलमान खान ने विवेक को फिल्म से हटाने के लिए कह दिया। विशाल भारद्वाज ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। सलमान खान को जिसके बाद पता चला कि फिल्म में अजय देवगन भी हैं और अजय देवगन का रोल सबसे ज्यादा अहम है। सलमान खान ने अजय से कहा कि तुम इस फिल्म को करने से इनकार कर दो तो हो सकता है कि विवेक को फिल्म से निकाल दिया जाए और तुम्हें फिल्म में ले लिया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अजय देवगन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया सलमान खान को उनकी बात मानने के लिए। उन्होंने कहा कि तुम किसी भी एंगल से प्रोफेशनलिज्म यहां पर नहीं दिखा रहे हो, तुम्हारे कहने पर मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा, ना ही अपने साथ और ना ही किसी और के साथ ऐसा होने दूंगा। और इसी बीच हो गई थी अच्छी खासी लड़ाई सलमान और अजय के बीच। लेकिन कुछ दिनों बाद, या ये कह लीजिए कि कुछ वक्त के बाद, इन दोनों के बीच में सब कुछ सुलझता हुआ सामने आ गया। अब बात आती है अक्षय कुमार के साथ अजय देवगन की लड़ाई की। तो दोस्तों, ये दोनों फिल्म कर रहे थे खाकी। बहुत ही कम ऐसे मौके हुए हैं जब अजय और अक्षय को एक साथ देखा जाए। इन दोनों को जब ये फिल्म मिली तो वहां अजय देवगन के सामने जहां अक्षय कुमार थे, तो हमेशा की तरह अक्षय कुमार ने अपनी बाजी ऊपर रखनी चाहिए और वो चाहते थे कि फिल्म खाकी में उनके सीन ज्यादा से ज्यादा हों और बाकी सभी के सीन कटते चले जाएं। अजय देवगन को ये बात पता चल चुकी थी और इस वजह से उनके साथ उनकी लड़ाई हो चुकी थी। अब आगे बढ़ते बढ़ते ये बात सिर्फ फिल्म खाकी तक नहीं रुकी, इसके बाद भी आगे बढ़ती रही। यूं तो अजय देवगन कसम खा चुके थे कि वो अक्षय कुमार के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन इसके बाद भी इन दोनों की दो फिल्में सामने आई, वो भी उनके जरिए जो इन दोनों के ही सबसे ज्यादा खास दोस्त थे। और हर बार अक्षय और अजय एक दूसरे से यहाँ पर प्रोफेशनली बिल्कुल भी ठीक से रिलेशन रखते हुए सामने नहीं आए। भले ही आज के वक्त में दोनों के बीच में हाय हेलो हो जाती हो या फिर एक दूसरे को बर्थडे विश कर देते हो, जैसे कि हाल ही में अजय देवगन ने अक्षय कुमार के बर्थडे पर उन्हें विश किया, मगर इन दोनों के बीच अब कुछ खास दोस्ती नहीं रही है, जो है प्रोफेशनली ही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, नीचे लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए
हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।